टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज शिखर धवन मैदान पर लंबे लंबे शॉट जड़ने के लिए पूरी दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। आप में से शायद बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये जानते होंगे कि उन्होंने ना सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर रन बनाए हैं बल्कि वो तो इश्क की पिच पर भी चौके छक्के लगाने के महारथी रहे हैं। वाकई ये एकदम सच बात है कि एक बार अगर कोई प्यार के बंधन में बंध गया तो फिर वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता है, फिर चाहे वो बॉलीवुड के स्टार हों या फिर खेल की दुनिया के सितारे। फिल्मी सितारों की लव स्टोरी तो अमूमन फेमस ही होती है, पर खिलाड़ियों की प्रेम कहानी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। आज जनता शो आपको भारतीय क्रिकेट टीम के ऐसे धुरंधर की प्रेम कहानी से रूबरू करवाएगा जिसे पूरी दुनिया क्रिकेट का गब्बर कहती है। जी हाँ, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनका वीडियो की शुरुआत में हमने जिक्र किया था, यानी शिखर धवन की। क्रिकेट की दुनिया में गब्बर के नाम से मशहूर धवन को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि खेल के साथ साथ शिखर धवन ने अपनी प्रेम कहानी के चलते भी खूब सुर्खियां बटोरी है। अगर आप ना जानते हो तो आपको बता दें कि उन्हें अपने से उम्र में 10 साल बड़ी आयशा मुखर्जी से प्यार हो गया था। अब हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली आयशा मुखर्जी और दिल्ली में रहने वाले शिखर एक दूसरे के प्यार में कैसे गिरफ्तार हो गए, आखिर क्यों शिखर धवन ने अपने से 10 साल बड़ी महिला से शादी की। दरअसल एक दिन शिखर धवन फेसबुक चला रहे थे तभी अचानक उन्हें आयशा दिखाई दी। गोरा चिट्टा रंग, बेहतरीन नैन नक्श। शिखर फेसबुक पर आयशा की तस्वीरों को देखकर उनके दीवाने हो गए। शिखर आयशा से मिलने को बेताब हो उठे। इन दोनों को मिलवाने में भारतीय खिलाड़ी हरभजन सिंह का भी बड़ा हाथ रहा। दरअसल पेशे से ऑस्ट्रेलियाई बॉक्सर आयशा को हरभजन सिंह पहले से जानते थे। हरभजन ने ही दोनों की पहली मुलाकात करवाई। पहली मुलाकात के बाद शिखर ने आयशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी। फिर दोनों की दोस्ती को प्यार में बदलते देर नहीं लगी। प्यार हुआ, इकरार हुआ, लेकिन शादी की मंजिल पर पहुंचना भी बाकी था। आयशा शिखर से उम्र में 10 साल बड़ी थी। इस बात से शिखर धवन को छोड़कर बाकी सबको काफी दिक्कत थी। कई बार उनके दोस्तों ने उन्हें इसके लिए टोका भी, लेकिन जब प्यार हो जाता है तो कौन कहां किसी की सुनता है। लेकिन सिर्फ यही दिक्कत होती तो देखा भी जाता, अकेली यही दिक्कत नहीं थी। उम्र का फर्क होने के अलावा आयशा एक तलाकशुदा महिला थी। आयशा की दो बेटियां भी थी। उनकी शादी ऑस्ट्रेलिया के एक बिजनेसमैन से हुई, लेकिन दोनों का रिश्ता ज़्यादा टाइम नहीं चल सका और तलाक हो गया। मोहब्बत तो हो गई, लेकिन आयशा को अब इस बात का डर सता रहा था कि क्या शिखर उनकी दोनों बेटियों को अपनाएंगे, क्या शिखर धवन एक बाप की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर पाएंगे। लेकिन गब्बर ने भी दिखा दिया कि वो सिर्फ नाम के विलेन है, असल में तो वो किसी हीरो से कम नहीं। उन्होंने साबित कर दिया कि वो वाकई में आयशा से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। शिखर ने आयशा मुखर्जी को उनकी दोनों बेटियों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद शिखर धवन ने साल 2009 में आयशा से सगाई और 2012 में शादी कर ली। हालांकि जमाने ने लाख उंगलियां उठाई। शायद हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ ऐसा होना बड़ा स्वाभाविक भी है, लेकिन समाज की तमाम कोशिशों को शिखर और आयशा मुखर्जी ने नाकाम कर दिखाया और एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम जोड़ लिया। शिखर आयशा और उनके पहले पति की बेटियों को अपने बच्चे जितना ही प्यार करते हैं, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देते। इस बात को खुद आयशा मुखर्जी कई दफ़ा कबूल कर चुकी है। शिखर धवन भी अपनी सफलता का सारा क्रेडिट आयशा को ही देते हैं। उनका मानना है कि आयशा ने उनके जिंदगी में पॉजिटिविटी लाने का काम किया, जिससे वो अपने कठिन वक्त में भी नहीं टूटे और हमेशा अच्छा करने का प्रयास करते रहे। आज आयशा और शिखर का एक बेटा भी है जिसका नाम जोरावर है। शिखर सोशल मीडिया पर जोरावर को प्रमोट करते रहते हैं। आपने उनका वीडियो या फोटो तो ज़रूर देखा होगा। जनता शो भी उम्मीद करता है कि ये दोनों खुशी खुशी अपनी मैरिड लाइफ को यूं ही एंजॉय करते रहें। बाकी आपको हमारा एक छोटा सा किस्सा कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और अच्छी खबरों के लिए, किस्सों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
शुक्रिया।